हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसैचुरेटेड टोन कैसे अप्लाई करते हैं अपनी फोटो पे। ये देखिए, पुरानी फोटो कुछ ऐसी थी और एडिटेड फोटो कुछ ऐसी है। इसे हम एडिट करेंगे लाइट रूम के मोबाइल ऐप से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अपनी फोटो को आपको डीसैचुरेट करना है, कलर्स में जाके आपको उसका वाइब्रेंस बढ़ाना है, ऑलमोस्ट 48 तक रख देना है उसे। और फिर उसके बाद आपको डीसैचुरेट करना है, यानी सैचुरेशन उसका कम करना है। इसे मैं 33-35 के बीच में रख दूंगा। आपकी फ़ोटो हो चुकी है डीसैचुरेट। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी सब बूस्ट करूंगा, इसको भी 48 तक रखूंगा मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब कुछ ब्राइटनेस सेक्शन पे जाके उसमें कुछ फेरबदल करूंगा। ब्राइटनेस में जाके आपको एक्सपोजर कम करना है। एक्सपोजर अपनी आप फोटो के हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपनी फ़ोटो जो है मैं उसमें सिर्फ 2 पॉइंट का एक्सपोजर कम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट कम करना है, मैं इसे 36-40 के बीच में रख दूंगा। इसके बाद हाईलाइट्स को प्लस कर देना है, बढ़ा देंगे ताकि थोड़ी हमें हाईलाइट्स दिखे, +10 तक। फिर शेडोज़ को 18+ कर दें, मतलब जो फोटो में आपकी शेडोज़ है वो दिखने लगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर्स पे मिक्स पे जाना है। मिक्स पे जाके जितने भी आपके पर्टिकुलर कलर्स हैं उनका ल्यूमिनेंस बढ़ाना है, उसकी मतलब थोड़ी वो ब्राइट हो जाए, ताकि वो यहाँ पे देखिए मैं कुछ का बढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑरेंज का बढ़ाया, रेड का बढ़ा रहा हूँ, येल्लो का भी बढ़ा दूंगा, लेकिन ग्रीन हमारे महन है तो ग्रीन को छोड़ देंगे। ब्लू का मैं ह्यू चेंज करूंगा क्योंकि हमारा स्काई जो है पीछे वो ब्लू है। मैं देखिए इसका ह्यू चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके ल्यूमिनेंस भी कम कर दूंगा ताकि उसमें डिटेल्स दिखने लगे। उसके बाद कलर ज़्यादा था तो सैचुरेशन और कम कर देंगे। बाकी बचे 2 कलर मैं उसके भी ल्यूमिनेंस के साथ मतलब उसे प्लस कर दूंगा ताकि वो कलर थोड़े उभरे उभरे दिखें। उसके बाद आपको यहाँ पे विग्नेट टूल का यूज़ करना है। विग्नेट एक बार को नेगेटिव करना है, मतलब ब्लैक पे लेके जाना है, ब्लैक मैग्नेट अप्लाई हो जाए जैसे। अब इसके बाद देखिए अपनी फ़ोटो कुछ ऐसी है, लेकिन एक हिस्सा देखिए बीच का, वो जो हाथ का है, हाथ में देखिए ब्लैक है वो पूरा, और बाकी बॉडी का कलर अलग है और हाथ का कलर अलग है। तो इसे वाइट करने के लिए मैं सेलेक्टिव टूल का यूज़ करूँगा। वहाँ पे आपको प्लस क्लिक करना है और उस हिस्से पे पेंट करना है जो हिस्सा आपको मतलब जिस हिस्से में आपको एडजस्टमेंट करनी है, जैसे मैंने ये हाथ में कर लिया है, पेंट करूँगा। उसके बाद मैं की ब्राइटनेस या क्लैरिटी ये सब एडजस्ट करूँगा। ये देखिए उस हिस्से को मैंने पेंट किया जो ब्लैक था पूरा। अब पेंट करने के बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है आपको। इफ़ेक्ट्स में उसकी क्लैरिटी सबसे पहले कम करना है, क्लैरिटी कम किया, फिर उसके बाद मैं उसको डीएस को भी थोड़ा माइनस करूँगा, -15 तक। अब उसके बाद देखिए एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाऊँगा। अब उसके बाद अपनी इमेज देख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो हाथ है उसका कलर देखिए आप, हाथ और बॉडी का कलर अलग अलग है, मतलब थोड़े ज़्यादा सैचुरेशन है हाथ में। अब देखिए यहाँ पे मैं वही सिंपल डीसैचुरेट कर लूँगा हल्का सा, जो कलर है जो हाथ पे वो मैं कम कर लूँगा। अब जो काम बचता है हमारा वो है स्प्लिट टोन का। स्प्लिट टोन पे आपको जाना है, सिर्फ शेडोज़ को ब्लू पे करना है, जो हल्का सैन कलर होता है, स्काइन कलर जो होता है उस पर आपको रखना है। ये देखिए मतलब सैचुरेशन मतलब कम ही रहे, और यहाँ बैलेंस से आप उसे वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी फ़ोटो हो चुकी है तैयार। उसके बाद आपको अगर फ़ोटो तैयार होने के बाद भी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है तो आप वो इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इन दी एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने 5 फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताया है, जो कि आपको मतलब बहुत सारे फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी फोटो एडिटिंग ऐप से ये सारी नॉर्मल एडिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो गाइज मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा काम देखना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ अविनाश27p।